हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज योगी एंड योर वाचिंग मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RS 200 BS6 के बारे में। BS4 से BS6 में जो भी बदलाव हुए हैं, उन सभी बदलावों की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम इसके फ्रंट से। इसके फ्रंट में आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलाइट विद LED DRLs मिलते हैं। एक सेकेंड, हम अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे सीधा मुद्दे की बात। और जो एक अच्छी स्पोर्ट बाइक में फीचर्स होने चाहिए वो बजाज ने ऐड किए हैं BS6 में, जिनके हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बदलाव की अगर हम बात करें तो BS6 में आपको यहाँ शॉक एब्जॉर्वर पर एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा जो ऑरेंज कलर का रहेगा, जैसा अपना इंडिकेटर का कलर होता है। सेकंड चेंज की हम बात करें तो वो है, तो सेकंड नंबर के चेंज की हम बात करते हैं तो वो इसका कैटलिक कन्वर्टर। ये जो एग्जॉस्ट पाइप आप देख पा रहे हैं, इसमें कैटलिक कन्वर्टर ऐड कर दिया गया है। और कैटलिक कन्वर्टर किस तरह से पोल्यूशन को कम करता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा आपको अपने चैनल मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड पर। अगर आपके पास कोई BS6 व्हीकल है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लेड फ्री पेट्रोल ही डलवाएं अपने व्हीकल में। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आगे बात करते हैं हम इसके इंजन की। तो इसमें आपको वही पुराना 199 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आता है। और ये इंजन आपको 24.5 BHP की पावर और 18 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। तो अगला बदलाव यही है जो अभी आपने देखा। अब क्योंकि ये BS4 वेरिएंट है, इसलिए इसका रियर टायर स्किड कर गया। इसमें सिंगल चैनल ABS आता है, जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील को प्रोटेक्ट करता है लॉक होने से, रियर व्हील में ABS नहीं है। अब नेक्स्ट चेंज यही है कि BS6 वेरिएंट में ड्यूअल चैनल ABS ऐड कर दिया गया है, जो कि दोनों व्हील्स को प्रोटेक्ट करता है लॉक होने से। अब अगर यहाँ BS6 वेरिएंट होता जिसमें ड्यूअल चैनल ABS आता है, तो इसका रियर टायर स्किड नहीं होता और मैं यहाँ से इजीली टर्न करके जा सकता था। ये एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर ऐड किया है बजाज ने इसमें, जो मेरे हिसाब से एक स्पोर्ट बाइक में ज़रूरी होना चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि ड्यूअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS में कितना फ़र्क होता है। अब लास्ट बदलाव की हम बात करें तो वो है इसकी प्राइस। BS4 वेरिएंट में ये बाइक आपको 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली आती थी, जो कि अब बढ़कर BS6 में 1,45,000 हो गई है। और अगर हम बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो वो 1,70,000 आती थी BS4 में, जो कि बढ़कर अब 1,75,000 के आसपास हो गई है। तो वीडियो का एंड करते हैं हम इसी मैसेज के साथ कि जब भी आप कोई नया व्हीकल खरीदें, सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद।